जय हिंद, वेलकम टू मेक ड्रीम करियर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का गणित का पहला अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्या का जो एक टॉपिक्स है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, दोस्तों उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले पुस्तक में जेसीईआरटी जो पुस्तक है उसमें एक पहले दिया हुआ है कि एक बुजुर्ग अंडे वाला रास्ते से जा रहा था और उसका बहस एक आदमी से हो जाता है। जो आदमी थोड़ा हट्टा कट्टा है और वो क्या करता है कि नोक झोंक में टोपी को उस अंडे वाले से टोपी को छीन लेता है, उसको पटक देता है, जिससे अंडे टूट जाते हैं। अब वो आदमी जो है वो उस आदमी को लेकर के गांव के सरपंच के पास जाता है, गांव के मुखिया के पास, जो भी आप देख लीजिएगा, वो जाता है और वहां पर फैसला करने के लिए कहता है। तो जो सरपंच होता है, मुखिया, वो क्या करता है कि पूछता है इस अंडे वाले से कि आपके टोकरी में कितने अंडे थे। तो ये कहता है, पहले के माध्यम से समझाता है कि दो दो गिनेंगे अगर हम लोग तो टोकरी में एक अंडा शेष बच जाएगा, अगर तीन तीन गिनेंगे तो टोकरी में तीन तीन गिनने पर दो शेष बचता है, चार चार गिनने पर थ्री शेष बचता है और पांच पांच गिनने पर चार शेष बचता है और छह छह गिनने पर पांच शेष बचता है और सात सात गिनने पर कुछ भी नहीं बचता है। तो इस पहेली के माध्यम से अंडों की संख्या निकालना है और उन्होंने कंडीशन दिया कि अंडों की कुल संख्या जो है वो 150 से कम है। दोस्तों ये पहेली बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही आसान है। आइए इस पजल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहेली को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहेली जैसा कि आपको पता है कि सात सात अगर हम लोग गिनते हैं तो कुछ भी नहीं बचता है, यानी कि सात से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरी तरीके से वो कट जाएगा, यानी कि सात का गुणज भी हम लोग बोल सकते हैं। तो अंडों की जो कुल संख्या है वो सात का एक गुणज है, यानी कि सात से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि 150 से जो छोटे हैं सात के गुणज, उनको हम लोग सर्वप्रथम हम लोग लिख लेते हैं। तो 150 से छोटे सात के जो गुणज है वो इस प्रकार से है, 7, 14, 21, 28, 35, 46, 63, 77, 74, 91, 88, 100, 101, 102, 113, 140, और 147। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सात का गुणज। सात का गुणज क्या होता है, सात को आप वन से गुना कीजिए, सात आएगा दो से गुना कीजिए, चौदह आएगा तीन से गुना कीजिए, तो आपका 21 आएगा, यानी कि सात का पारा हम लोग लिख दिए हैं यहाँ तक 70 तक। उसके बाद सात सात जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, गुणज आपको पता होगा, गुणज किसी भी संख्या को गुणज हम लोग कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर करके। ठीक है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से 12 से गुना करते जाइए, जितने भी आपको गुणज निकालना है उतना आपको निकालना होगा, जरूरी नहीं है कि क्रम से हो, यहाँ 14 गायब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या जो 7 से कट जाएगा वो सात का गुणज है। जैसे हम लोग बात करें 700, तो 700 सात से डिवाइड हो जाएगा 100 बार में, 100 बार में, तो 700 भी सात का एक क्या है, गुणज है। तो इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं गुणज। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि अंडों की जो कुल संख्या है वो एक्स है। अंडों की कुल संख्या को हम लोगों ने एक्स मान लिया और प्रश्न में दिया हुआ है कि अगर दो दो अंडे हम लोग गिनते हैं तो शेषफल एक बचता है, टोकरी में कितना अंडा बचेगा, एक अंडा बचेगा, यानी कि दो से वो विभाजित नहीं होगा। दो से भागा देंगे तो एक बच जाएगा, तीन से भागा देंगे तो दो बच जाएगा, चार से भागा देंगे तो तीन बच जाएगा, पांच से भागा देंगे तो चार बच जाएगा, और छह से अगर छह छह गिनते हैं तो पांच बच जाएगा, और सात सात अगर हम लोग गिनते हैं तो जीरो बच जाएगा। तो यहां पर से हम लोगों का कंक्लूजन क्या निकला कि सात का वे सभी गुणज जो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से और 6 से यहां तक 6 तक का, 2 से लेकर के 6 तक का वैसे सात का गुणज जो इन सभी संख्याओं से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से पूरे पूरे भाग लग जाते हैं, कट जाते हैं, वो अंडों की कुल संख्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दो दो गिनेंगे तो शेषफल एक आना चाहिए, लेकिन दो दो गिनेंगे तो शेषफल वन आने के लिए दो से विभाज्य उसको नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 14 दो से कट जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा एक्स का मान नहीं हो सकता। 42 ये भी हमारा दो से कट जा रहा है, ये भी हमारा अंडों की कुल संख्या नहीं हो सकता। 28 ये भी दो से विभाजित हो जा रहा है, तो ये भी हमारा अंडों की संख्या नहीं हो सकता। उसी तरीके से 3 भी, 3 से भी अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इन गुणजों को तो विभाजित नहीं होना चाहिए, शेषफल हमको दो ही देना चाहिए। तो उस गुणज को चलिए हम लोग निकालते हैं। तो कंडीशन लगाएंगे हम लोग, दो से विभाज्य जो होगा, यानी यहां लिखा हुआ 2, 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है, वे सभी गुणज जो इनसे विभाज्य है एक्स का मान नहीं हो सकते। तो सबसे पहले देखिए 14 दो से विभाज्य है, इसीलिए ये हमारा एक्स का मान नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए
28 दो से विभाज्य है तो ये भी x का मान नहीं हो सकता, 42 ये भी दो से विभाज्य है तो x का मान नहीं हो सकता, 56 ये भी दो से विभाज्य है तो x का मान नहीं हो सकता। दो से विभाजित करने पर शेषफल 1 आना चाहिए तब x का मान होगा। उसके बाद ये हमारा 70 ये भी दो से विभाज्य है तो x का मान नहीं होगा, 84 ये भी दो से विभाज्य है तो x का मान नहीं हो सकता, क्योंकि कुल संख्या ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, दो से विभाज्य वाला सब क्या होगा x का मान नहीं हो सकता, अंडों की कुल संख्या नहीं हो सकता। बात करते हैं थ्री वाला, तो देखिए 21 थ्री से कट जाएगा तो ये भी अंडों की कुल संख्या नहीं हो सकता। उसके बाद और कौन कटेगा, ये थ्री से कट जाएगा तो ये भी x का मान नहीं हो सकता है। उसके बाद और कौन कट रहा है, 6 ये आपको विभाजता नियम पता होना चाहिए, या फिर आप डिवाइड करके देखिए 105 तीन से कट जाएगा, 105 जो है वो 3 3s are 9 यहाँ पर 5 आएगा, ये 5 बार में खड़े 5 बार में ये कट जाएगा तो ये भी हमारा अंडों की कुल संख्या नहीं होने का। अब और कौन कट रहा है, ये हमारा हो जाएगा 8 8 4 12 जोड़ेंगे कट जाएगा तो 3 से भी कट जाएगा, ये भी हमारा x का मान नहीं हो सकता, यानी कि अंडों की कुल संख्या नहीं हो सकता। अब हम लोग 4 वाला देखते हैं, 4 वाला भी कोई है जो 4 से डिवाइड हो रहा है, 700 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 4 से होगा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 5 से विभाज्य हो रहा है, 5 से कोई विभाज्य, हाँ 35 ये 5 से विभाज्य है तो ये भी नहीं होगा अंडों की कुल संख्या, और कोई 5 से विभाज्य है, और कोई 5 से विभाज्य है नहीं है। 6 से कोई विभाज्य है, 6 से कोई विभाज्य है, 7 नहीं कटेगा, 49 नहीं कटेगा, 77 भी नहीं कटेगा, 6 से जो 2 और 3 से कटता है वही 6 से, तो 6 से तो कोई मिलेगा ही नहीं, तो बच क्या क्या गया, 7 बच गया, 49 77 91 119 और 133, तो इतना बच गया जो ना तो 2 से कट रहा है, ना तो 3 से कट रहा है, ना तो 4 से कट रहा है, ना तो 5 से कट रहा है, ना तो 6 से कट रहा है, बस ये कट रहा है तो 7 से कट रहा है। अभी भी इतना संख्याएं हैं जो बचे हुए हैं, इसमें से भी आपको एक संख्या निकालना है तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे लॉजिक। यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, अब ऊपर में थोड़ा सा मिटाते हैं, अंडों की कुल संख्या निकालने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी मौका दो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो यहां से देखिए अब हम लोग करेंगे, अब क्या 7 को डिवाइड करते हैं 2 से तो शेषफल 1 आता है, ऐसे नहीं लिखेंगे, शेषफल कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, लेकिन या फिर ऐसे लिख लेता था, या इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखिए इसको, तो यहां पर देखिए यहां दिमाग बनाइए, ज्यादा लंबा क्या करेंगे, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 दे देगा जो पहली के अनुसार है, 7 को 3 से डिवाइड कीजिए, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल यहां पर आपको मिलेगा 1, 3 से अगर हम लोग 7 को डिवाइड करते हैं तो 3 × 6 = 1, शेषफल हमको मिला 1, लेकिन पहले में क्या बोला था, पहले में बोला था कि शेषफल जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे यानी कि 3 3 गिनेंगे तो 2 बचना चाहिए, तो बच तो रहा है 1, इसलिए पहले के अनुसार गलत है, लेकिन क्या पहेली के अनुसार क्या है, अनुसार पहेली के अनुसार 7 को अगर 3 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ये हमारा पहेली के अनुसार है, इसलिए x बराबर 7 नहीं हो सकता है, x बराबर 7 नहीं हो सकता है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 7 बराबर 7 को डिवाइड करते हैं, 7 को हो गया ना 49 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 दे देगा, एक जगह कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सब जगह कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करके देखिए इसको, 49 3 1 3 1 3 8 3 6 18, ठीक है, तो ये हमारा 18 शेषफल कितना आ गया 1, तो यहाँ इसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर शेषफल हमको कितना मिला, शेषफल मिलता है 1, लेकिन
पहेली के अनुसार आना चाहिए कितना, टू। तो इसलिए ये भी बट या फिर लिख लीजिए थोड़ा सा लेकिन, पहेली के अनुसार x को अगर हम लोग, x को नहीं 49 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो शेषफल तीन तीन गिने तो शेषफल आना चाहिए दो। इसलिए x बराबर 49 भी आपका नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा। इसी प्रकार आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसी प्रकार आप डिवाइड करिए 77 को, तो 1 से करेंगे 2 से करेंगे तो दे देगा 1, 3 से कीजिए आप इसको तो देखिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3 में भी पास हो जाता है तो 4 से करके देखिए, 5 से भी करके देखिए, तो करके देखते हैं इसको 3 से ही पहले हम लोग करके देखते हैं, 2 में दे देगा 1, 2 में 1 दे देगा, 3 से करके देखते हैं 7 7 7, तो 7 3 9 6, फिर ये हो जाएगा हमारा 3 6 18, नहीं ये हो जाएगा 3 5 15 लगाना पड़ेगा, 16 17, 2 दे दिया, 3 में पास हो गया, 2 में भी पास, 3 में पास, अब इसको 4 में पास करना पड़ेगा, 4 देखते हैं 4 का क्या हालचाल, 4 1 4, यहाँ पर 3 7 7 4 7 5 35, यहाँ पर हमारा दिया 2, लेकिन 4 से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, करना था, अब क्या करेंगे हम लोग 77 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 4 से, तो शेषफल कितना आता है, शेषफल जो आता है वो आता है आपका 2, लेकिन पहेली में क्या है, पहेली के अनुसार शेष कितना आना चाहिए, शेषफल जो आना चाहिए वो आना चाहिए कितना आपका, 4 से करेंगे तो 3 आना चाहिए, इसलिए x का मान आपका 77 भी नहीं होगा, 91 अब हम लोग करके देखते हैं, 91 भी नहीं होता है, तो अब हम लोग 91 को देखते हैं करके, तो ये हमारा 2 से हो जाता है, 2 में से हर जगह पास, 3 करके देखते हैं, 3 3 9 3 3 9, ये 1 आ जाएगा 0, सक्सेसफुल 1 दिया, 3 में फेल हो गया, 3 में फेल हो गया, 3 में लिखिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 91 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो यहाँ से शेषफल कितना मिल रहा है, शेषफल जो मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, लेकिन पहेली में आना चाहिए 2, 3 से करेंगे तो 2, पहेली के अनुसार शेषफल कितना आना चाहिए, शेषफल आना चाहिए 2, 3 से करेंगे तो 2, इसलिए x बराबर नहीं हो सकता है 91, ठीक है, तो x बराबर 91 भी नहीं हो सकता है, आप इसको भी लिख लिए होंगे, यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगा इसीलिए हम लोगों ने मिटा दिया इसको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 91 भी खत्म, 119 को हम लोग देखते हैं तो 2 से हो जाएगा, 3 से करके देखते हैं 2 से सब हो जाएगा, विषम संख्या 1 ही देगा, तो 19 को हम लोग देखते हैं, 119 को हम लोग 3 से देखते हैं तो 3 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, ये हो जाएगा कितना 2, यहाँ 3 7 21, तो यहाँ पर ये आपको दे दिया 3 8 24 3 9 27, तो ये हमारा 27, तो ये 2 दे दिया, 4 से डिवाइड करके देखिए 4 से, तो 4 2 8, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 4 9 36, यहाँ पर कितना बचा 3, ये भी पास हो गया, 5 से करके देखिए इसको, 5 2 10, नीचे 5 3 15 4 4 1, ये भी पास हो गया, 6 से करके देखिए 1 1 7, तो ये हमारा हो जाएगा 6 कम 6, यहाँ पर बचेगा 5 और 9 6 9 54, यहाँ पर कितना बचा 5, तो 6 में से 5 भी, तो देखिए 3 3 गिन रहे हैं तो शेषफल 2 बच रहा है, 4 4 गिन रहे तो शेषफल 3 बच रहा है, 5 5 गिन रहे तो शेषफल 4 बच रहा है, 6 6 गिन रहे तो शेषफल 5 बच रहा है, और 7 से पूरा पूरी कट ही जाएगा, तो इसलिए आप 2 से भी दिखा दीजिए थोड़ा सा, 2 से भी 5 2 10 9 2 18, तो यहाँ पर 1, 2 2 गिन रहे तो 1 बच रहा है, मतलब सारा कंडीशन फुलफिल हो गया, लेकिन एक ये बचा हुआ है, ये भी नहीं करेगा, तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, इसी प्रकार
इसी प्रकार x not equal to 130 भी होगा 133, क्यों? क्योंकि ये हो गया आंसर मेरे दोस्त, तो यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं था, सारा कंडीशन यहीं पर फुलफिल हो गया। ये ऐसे भी नहीं होगा, आप करके देखिए फेल हो जाएगा, दिखा देते हैं, ये 2 से हो जाएगा, 3 से देखते हैं करके, 3 से हम लोग करते हैं 133, तो ये आएगा 3 4 किया 12, 4 किया, हाँ 4 किया 12, 4 किया 12, 1 आ गया, लिख लीजिए इसको, ठीक है, 133 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल, शेषफल शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। पहेली में कितना है, पहेली के अनुसार, पहेली के अनुसार कितना है, 3 है तो 2 आना चाहिए, इसलिए x बराबर नहीं हो सकता है कितना, ठीक है। अब यहां लिखेंगे चूंकि, ये वाला जो करती है, चूंकि 119 पर सभी शर्त, सभी शर्त लागू होते हैं, लागू होते हैं, इसलिए अंडों की कुल संख्या, ठीक है, अंडों की कुल संख्या जो है वो x है, 100 कितना, 119 है, ठीक है, अंडों की कुल संख्या कितना है, 119 था। तो उस अंडे वालों के टोकरी में, जो अंडे वाले की टोकरी में जो अंडों की कुल संख्या है वो 119 है। किस तरह हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।